मीडिया तो सर मोदी जी की है, उसे 2000 रुपया ले लिया गया घूस, नहीं तो तेरा हम 30,000 का चलान काटेंगे। अब समय आ गया है सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने का। यहाँ की सड़कें लंदन से अच्छी नहीं है। अरे सर लंदन क्या, आप अब क्या दिखाएं आप? एक गाय ने गाय को मारा और मेरी गाड़ी में लगी और मेरी गाड़ी पलटने से बच गई, 4 अमेरिकन बैठे हुए थे उसमें। आपका ये इतना बड़ा मुद्दा है, काफी कई राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं, देश की जो मीडिया है वो उनके जो पत्रकार हैं वो ट्वीट करते हैं और वो विदेशी के जो यातायात के नियम है, ट्रांसपोर्ट के नियम है, उनका हवाला देते हैं कि वहाँ पर भी जो जुर्माना है वो काफी बड़ा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? विदेशों के हिसाब से अगर चलना है तो उसी हिसाब से ये सड़कें भी बना दें, उसी हिसाब से पार्किंग भी दे दें, ड्राइवर्स की हाईवे पर फैसिलिटीज भी दे दें। कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है? अच्छा मीडिया क्यों नहीं उठाती इस तरीके के मुद्दे, क्या लगता है? मीडिया तो सर मोदी जी की है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर आप जब भी टीवी लगाओ मोदी जी के अलावा दूसरा काम नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे कोई बड़ा न्यूज वाला कोई नहीं आया, जो आया भी है ये न्यूज यही की यही रह जाएगी, ड्राइवर वही का वही रह जाएगा। ये तो आप छोटी न्यूज आ रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प करेंगे तो ये शायद कटगरी साहब जी को सुनने में आ जाए, ठीक है। अब आज छोटी सी एक बात है, एक करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज मेरी गाड़ी कम से कम 22 दिन बाद एक एयरपोर्ट की ड्यूटी गई है 1700 रुपए की, जिसके अंदर से 500 रुपए का डीजल लगा लो तो 1200 बचा, 1200 रुपए में से 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट निकालो तो 200 रुपए बचा, 23 लाख की गाड़ी में मुझे 200 रुपए बचता है। लेकिन आज मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पे पकड़ ली, इसका जी ये कम है उसका वो कम है, ड्राइवर ने जब बोला कि भाई साहब बहुत परेशान है हमारा मालिक आ गई, तो कह रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तू हमें रूल बताएगा, उससे 2000 रुपया ले लिया गया घूस, नहीं तो तेरा हम 30,000 का चलान काटेंगे। आप एयरपोर्ट जाके देखो ना कितनी रिश्वत खोली है वहाँ पर। वहाँ पे उसने 2000 रुपये तो दे दिया ट्रैफिक पुलिस वाले को। अब मुझे फोन आया जी भैया, मैंने कहा दे दे भाई, 30,000 का चलान मैं कहाँ से भुगतूंगा, मेरे पास 5 गाड़ी जिसमें मैं 2 बेच चुका हूँ और 2 और बेच दूंगा अगर यही सरकार रही हमारी। बस मुझे यही कहना है कि जब 100 रुपए का चलान होगा तो 50 रुपए शायद पुलिस वाला भी घूस नहीं मांगेगा। अब समय आ गया है सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने का। शुरू में आप देखिए इन्होंने नोटबंदी लागू की, जो पैसे लोगों के घरों में थे सारे पैसे निकलवा के बैंक में डाल दिए। ब्लैक मनी कहाँ से आई, कोई ब्लैक मनी आई? आप जानते हैं इसके बाद, उसके बाद गरीब लोग सारे मर गए उसमें, जो भी किसी की शादियाँ रुक गई किसी का कुछ। मोदी जी तो कहते हैं सिर्फ एक ही परिवार रोया है, वो गांधी परिवार। ये तो मोदी जी का कहना ना, पर अगर आप लोग पब्लिक में रहते तो आप जानते हैं ना इस बात को, आम जनता को क्या लगता है। फिर GST लाए, GST में जो मझोले व्यापारी थे, जो स्मॉल स्केल पे व्यापारी थे वो मरे, अब किसका नंबर है? अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर लग गया है। अच्छा तो ये दादागिरी चलेगी नहीं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, पब्लिक परेशान है इनसे। क्या प्लान है फिर आपके? और देखिए रिजर्व बैंक का जो है, आप आगा जी, रिजर्व बैंक का अभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा जी आगे 1 लाख करोड़ सर ज्यादा पैसा उन्होंने बैंकों को दिया है। इनडायरेक्टली वो पैसा किसके पास जाएगा, ना तो किसानों का कर्जा माफ होगा ना किसी आम आदमी का काम आएगा, वो पैसा इनडायरेक्टली इन्हीं लोगों के जो इंडस्ट्री इनसे रिलेटेड लोगों की हैं, जो इनके फ्रेंड्स के समझ लो या फ्रेंड सर्कल है जो भी इनको सपोर्ट करते हैं उन्हीं के पास जाएगा पैसा, जा कर रहा है रिजर्व बैंक। अच्छा पोस्टर्स पे जो इतने इतने बड़े बैनर्स पे जो लिखा हुआ होता है किसान खुशहाल है, व्यापारी खुशहाल है, ये सारी चीजें क्या है? इंश्योरेंस की बात हो रही थी, अगर मैं MLA हूँ और मेरी फसल चौपट हो गई है बारिश में तो मुझे पूरा क्लेम मिल जाएगा, अगर कोई गरीब किसान का मकान साथ में है उसकी जमीन साथ में है तो उसको वही 100-150 रुपए जो, या आपने मीडिया में देखा भी होगा इस तरह की वो है, वही काम भी यहाँ हमारे साथ कर रहे हैं, इंश्योरेंस को जो ला के लेकर आए ये काम कर रहे हैं। हमारी एक ही बात है, अगर आप विदेशों के रूल इंडिया पे हमारे जितने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर पे थोप रहे हो तो विदेशों वाली सुविधा भी दें, विदेशों में मेडिकल तो सुविधा इतनी हाई फाई तो है, ये यूरोप से भी अच्छे रोड है मध्य प्रदेश कहीं भी नहीं सर, ना रोड है ना ड्राइवर्स, अगर मर जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, बाहर ट्रकों के ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं बाहर विदेशों में, अगर यहाँ की सड़कें लंदन से अच्छी नहीं है। अरे सर लंदन क्या, आप अब क्या दिखाएं आपको, आपको पता ही है सब कुछ, गाँव में जाओ या कई साइडों में दिल्ली की साइडों NCR में जाओ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। MCD एरिया देखिए, जयपुर से जोधपुर जा रहा था और पटड़ी में गाय घास खा रही थी, एक गाय ने गाय को मारा और मेरी गाड़ी में लगी और मेरी गाड़ी पलटने से बच गई, 4 अमेरिकन बैठे हुए थे उसमें, हम टूरिस्ट काम करते हैं फॉरनर है, टूरिस्ट ड्राइवर है, और मेरी गाड़ी पलटने से बच गई, और ये तो रोडों की हालत है, हाईवे के ऊपर गाय क्या कर रही है? नहीं ये है, ये होना चाहिए उसका क्लेम कौन देता, 5 जे मार लो अमेरिकन मर जाता,
अमरीकन मर जाता, कुछ भी हो जाता, गवर्नमेंट ने कहता इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए देगी, तो बाकी कौन देता? एक गाय के बारे में सवाल करना भी बहुत है। एक अमरीकन 10 हिंदुस्तानी के बराबर है, एक अमरीकन 10 हिंदुस्तानी के बराबर है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ का यहाँ 5 लाख वैल्यू बंदेगी, उन्होंने बोल दिया बंदा मरेगा 5 लाख रुपए देंगे, तो हिंदू फॉरनर मरेगा तो करोड़ों रुपए की है, तो वो कहाँ से दे देगा? वो तो डॉलरों में पेमेंट लेगा इंश्योरेंस कंपनी के। तो हम कहाँ से देंगे? मंडावा पे जाओ, दुनिया भर के हजारों खड्डे आएंगे जहाँ 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर के 6 घंटे लगते हैं और सारा दिन लगता है वहाँ पे, 9 घंटे लगते हैं। बताइए, गाय का भी जिक्र हुआ, गाय के नाम पर राजनीति होती है, गाय की गाय ये गाय का संभाल क्यों नहीं पा रही? गाय की सुरक्षा के लिए लगातार डिबेट भी होती है बड़े बड़े चैनल्स में, और रोड की रोड की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं होती? रोड रोड पे गाय घूम रही है, राजस्थान गाय हमारा घूम रही है, घास कर चली जा हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे की बात है ये किशनगढ़ रोड की, जोधपुर से जब जयपुर के बीच में किशनगढ़ आता है, एक्सप्रेसवे रोड है वो, उस रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि छोटी सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी में तो दुनिया भर की बात है, हाईवे के ऊपर ये हाल है, मेरी गाड़ी पलटने से बच गई है, आज भी मेरी गाड़ी देखोगे तो सींग लगे हुए हैं उसमें, और मैं फेसबुक के ऊपर अमरीकन से उनका मैसेज भी मंगवा सकता हूँ कि हमारे साथ ये घटना हुई, ड्राइवर ने कैसे कंट्रोल करी गाड़ी। अच्छा, आप मिलते होंगे फॉरेनर से, तो क्या छवि कैसी है? जैसे मोदी जी कहते हैं छवि बहुत मोदी जी अच्छे हैं, सारी मीडिया कहती है कि अच्छे हैं, बाहर के लोग भी आते हैं तो कहते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, और हमारे हिंदुस्तानियों की जब से इज्जत बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास फॉरेनर आते हैं तो हमारी इज्जत नहीं है, बहुत उससे डबल इज्जत बढ़ी है, लेकिन ये है कि ऐसा कानून जो बना रहे हो वो तो गलत कानून है ना, एकदम से कानून पास कर देते हैं, सीधे पुलिस को बढ़ावा है। कांग्रेस पार्टी ने, अमरिंदर सरकार ने पंजाब में सीधा बोल दिया, उन्होंने कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा चलान का, इसमें करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल आज 41 पन्ने की फाइल है, आज तक वो नहीं पढ़ पा रहे। केजरीवाल तो धीरे धीरे हर चीज का समर्थन कर रहे हैं, आर्टिकल 370 उसको, हरियाणा में बंदा मर जाएगा, हमारा टैक्स का पैसा 5 करोड़ उसको दे दिया जी, रहने वाले को, वह राजस्थान का बंदा मर गया 5 करोड़ उसको दे दिया जी, तो दिल्ली वाले को कहाँ फैसिलिटी मिल रही है? स्टेटों में बांट रहा है वो, क्यों बांट रहा है? सर मेरे कहने का मतलब है कि जो ड्राइवर है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, 35% रेवेन्यू जो ड्राइवर देता है, बच्चा पैदा होने से और शमशान घाट तक ड्राइवर का रोल है, 19 करोड़ ड्राइवर है देश में, चाहे वो ऑटो टैक्सी ट्रक जो भी जो टैक्सी सब चलाते हैं, आप उन पे हमारी सरकार गौर करे कि ड्राइवर्स के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं वो, इस चीज़ के लिए बोले। और अभी मंत्रालय में संसद भवन में एक डिबेट हुई थी, डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने आवाज़ उठाई थी, तो नितिन गडकरी जी ने बोला पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठा दी गई है कि ड्राइवर्स और क्रो वर्कर उसके लिए एक हम ऐसा बीमा लागू करेंगे कि उसकी फैमिली तक वो पहुँचे, मगर वो कमेटी वहीं की वहीं पता नहीं कौन सी फाइलों में दब गई है, तो नितिन गडकरी जी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, बस जो कानून है या जो कोई रूल है वो थोप दो बस आप ड्राइवरों पे। अच्छा, गरीब आदमी मुझे बताइए कि इस तरीके का कानून आया है, आप लोग यहाँ विरोध करना आए हैं, लेकिन कुछ समर्थक हैं, चाहे वो बीजेपी के कह लो या सरकार के समर्थक कह लो, उनका मानना है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो कुछ भी अच्छा काम होता है उसका विरोध करने सड़कों पर उतर आते हैं, तो क्या आप भी उसी में से हैं? मैं कहता हूँ कहीं पोल्यूशन वाली लाइन पे चले जाओ, कोई कमर्शियल गाड़ी नजर आती है आपको? पेट्रोल पंपों के ऊपर बाइक वाले और सारी प्राइवेट गाड़ियाँ 5-5 बजे सुबह लाइन से लग रही हैं, कमर्शियल गाड़ी वाला गलती नहीं करता कोई भी, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हर चीज़ पूरी है उसके पास, तो गलती नहीं करेगा, प्रोफेशनल ड्राइवर है। हमारी हर 3 साल में ट्रेनिंग होती है, एक दिन की क्लास होती है जिसमें एक एक चीज़ बताई जाती है कि आपको ये कानून बना है, ये ऐसे ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, ये कानून फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे कानून प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी लाने चाहिए, उनकी 3 साल में जब रिन्यूअल हो लाइसेंस। तो इस कानून से प्राइवेट गाड़ियों वालों को जो कुछ नहीं फायदा, वो तो फोन निकालेगा किसी अफसर से बात करा देगा, अब ड्राइवर आदमी किससे बात कराएगा? ड्राइवर की क्या अच्छा, वो तो वहाँ तक चलती है। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जैसे मोदी जी हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ऐसे जितने भी हमारे बॉर्डर हैं या एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है वहां सर्जिकल स्ट्राइक करें। जो बात की सर्जिकल स्ट्राइक ये कि जो करप्शन बढ़ रहा है, ट्रैफिक पुलिस और मीडिया से मिलके सर्जिकल स्ट्राइक कराएं, जहां फौजियों से करवाया है ऐसे ही मोदी जी मीडिया से सर्जिकल स्ट्राइक कराएं कि कहां करप्शन हो रहा है, किस ड्राइवर से घुस ली जा रही है वो उनको पता लगे। आप ये यहाँ पर आरोप ये भी लग रहा था कि सरकार मिली हुई है, तो फिर स्ट्राइक कैसे लग सकती है? सरकार मिली हुई है, मगर सर सरकार, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मगर सरकार ने गलत फैसला लिया तो मैं विरोध करने आया हूँ। ठीक है, हम भी ड्राइवर हैं, ये सब ड्राइवर हैं, अपनी अपनी एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, वो पैसे कटेंगे हमारे, ठीक है, मगर हम रोज रोज तो रोड पे नहीं आ सकते, तो सरकार को प्लीज इस पर ध्यान देना चाहिए,
और जो भी करें मोदी जी चाहे नितिन गडकरी जी, इस पे ड्राइवर ट्रांसपोर्टर के लिए जितना कुछ हो सकता है उस पर विचार करें। कानून है, रूल है, अच्छी बात है, मगर इतना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमर्शियल ड्राइवर के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे आप वीआईपी लैंड, आप कहते हैं कि हमारा वीआईपी मूवमेंट आ रहा है, डेलीगेशन आ रहा है, या मोदी जी जा रहे हैं जब रोड बंद हो जाते हैं, ऐसी कमर्शियल ड्राइवर लिए कोई कुछ तो निकालें कुछ सिस्टम। कुछ नहीं सोचा सर बिल्कुल, तो इसलिए शेम ऑन भारत सरकार और केजरीवाल सरकार भी, क्योंकि वो भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। ठीक है, आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी एक विधान एक संविधान की बात चल रही है, तो कुछ राज्यों में फिर चेंज कैसे हो गई यहाँ पर? नहीं माने ना, उनको पता रिश्वत को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब ने बोला नहीं, पंजाब जीडीपी ने एडीजी ने ऑर्डर करा है अपने ट्रैफिक वाले को, आपकी ड्यूटी है रेड लाइट के ऊपर ना कि नाके लगाने की आपको। वहाँ ऐसा हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? जब एडीजीपी ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी ड्यूटी है रेड लाइट पे खड़े होने की ना कि नाका लगाने की। नाका कौन लगाता है? आरटीओ ऑफिस वाले, वो पेपर चेक कर सकते हैं, ये पेपर पोल्यूशन कुछ भी ये चेक नहीं कर सकते ट्रैफिक वाले। ट्रैफिक वाला उसका चलान कर सकता है जो गलती करेगा, जो रूल तोड़ रहा है उसको। आज ट्रैफिक वाले चौराहे के ऊपर खड़े हुए तो कोई भी लाइन पार नहीं करेगा, ये छुप के खड़े हो जाते हैं। क्यों छुप के खड़े होते हैं? वो कोई गलती करेगा हम पकड़ेंगे, उससे घुस पैदा होगी। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये यातायात नियमों में जो बदलाव आए हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत है, तभी ये लोग सड़कों पर आए हैं, रोज़ आने के लिए इन्हें दिक्कत अभी पैदा होंगी। यार इसके लिए आखिर